नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सपा नेताओं ने मुंडन कराकर जताया विरोध, सरकार की नीतियों के खिलाफ मुंडन कराकर किया विरोध प्रदर्शन। सपा नेता ने कहा कि 2022 में प्रदेश से हटाएंगे बीजेपी सरकार। सपा नेताओं ने कहा कि सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है, बेरोजगारों, किसानों, नौजवानों को छला है। हरदोई में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव मुकुल सिंह आशा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में और रोजगार माइनिंग को लेकर अपना मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया। सपा नेता ने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। मुकुल सिंह ने कहा कि जब से प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसने सिर्फ जनता के साथ धोखा ही करने का काम किया है और बेरोजगारों, किसानों, नौजवानों को धोखा दिया है। मुकुल ने कहा कि आज सभी भाजपा की सरकार से परेशान है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कान में उंगली डालकर बैठे हैं। मुकुल ने कहा कि देश और प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भीषण बीमारी कोरोना वायरस के नाम पर 2400 करोड़ रुपए का घोटाला उत्तर प्रदेश में किया गया। सपा नेता ने कहा कि देश में किसान बेहाल हैं, शिक्षा महंगी होती जा रही है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, निजीकरण में भ्रष्टाचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में दलित छात्रों के निःशुल्क प्रवेश पर रोक लगाकर सरकार ने अपनी मानसिकता जगजाहिर कर दी है। उत्तर प्रदेश में नौकरी की नई व्यवस्था बेहद चिंताजनक है, एक तो नौकरी मिलती नहीं और अगर किसी तरह मिली भी तो 5 साल तलवार लटकती रहेगी। इस तरह भाजपा सरकार युवा विरोधी भी है, उनके सपनों की उड़ान को तोड़ने वाली है। हम सब समाजवादी लोगों ने देश की आतंकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। विरोध में हम सब लोगों ने आज मुंडन कराकर उस आतंकी सरकार का विरोध किया और उनसे रोजगार मांगा। अगर वो सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो वो सरकार बदलनी है। हम सब युवा ने ठाना है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का कार्य करेंगे। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।